हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे आलू के साथ भरवा मिर्च। तो जिसके लिए मैंने ली है 250 ग्राम हरी मिर्च मोटी वाली और 500 ग्राम आलू। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। एक नींबू, धनिया पत्ता। तो सबसे पहले हम मिर्ची को कट कर लेंगे। मैंने हरी मिर्च को धो लिया है और अब हम इसमें से बीच में इस तरह से चीरा लगा कर कट कर लेंगे। इस तरह से आपको सारी मिर्च को बीच में से चीरा लगा के कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारी मिर्ची को कट कर लिया और अब हम इसमें भरेंगे मसाला। तो सबसे पहले हम आलू को करेंगे मैश। इस तरह से हमें सारे आलू को मैश कर लेना है। तो इस तरह से हमने सारे आलू को मैश कर लिया है और अब हम इस पे मिलाएंगे मसाले। तो ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इतनी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जितना मैगी मसाला। इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच जीरा और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस। आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो और धनिया पत्ता, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाला हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे भरेंगे मिर्च के अंदर। तो आपको इस तरह से सारे मसाले लेके मिर्च में भरना है, जैसे आप बेसन भरते हो इसी तरह से। तो अच्छे से दबा के भरना है ताकि ये बाहर ना निकले। इस तरह से हम सारी मिर्च में मसाला भर के तैयार कर लेंगे। तो हमारी सारी मिर्च भर के हमने तैयार कर ली है। तो अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो ऑयल मैंने पहले से ही यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। हम सारी मिर्च को रखेंगे और अपने खाने में एक साइड से फ्राई होने देंगे। तो हमारी मिर्च एक साइड से अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे दूसरी साइड भी इसी तरह से पलट के पका लेंगे। मिर्च हमारी फ्राई होके तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम सारी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी आलू वाली टेस्टी मिर्च। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।